उसी लोकल प्रथा को लेकर के आगे बढ़ा। इस कारण से आप देखेंगे शुरुआती दौर में बहुत सारे आक्रमण हुए, बहुत सारी स्थापना, देश के स्थापना काल में समस्याएं आई, लेकिन उन समस्याओं को पार करते हुए भारत आगे बढ़ा। इकोनॉमिकल रूप से अगर आप देखें तो बहुत कभी भी क्राइसिस में नहीं आया। आज भी अगर आप देखें तो आज ग्लोबल आबाद क्योंकि पहले और आज में अंतर एक है। पहले कुछ आपके कहा जा सकता था लिमिटेशन थी, इन लिमिटेशन की वजह से आप उस धर्म को पालन कर पा रहे थे, लेकिन आज भी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आज जब आप फॉरन में पढ़ने जाना चाहते हैं, आज जब आप फॉरन में नौकरी करने जाना चाहते हैं, तो आप जाएंगे तो आपके यहां भी कोई आएगा। तो कहीं न कहीं अब ग्लोबलाइज हुआ समाज, जिसमें आपकी पूंजी विदेश में जाने लगी, विदेश की पूंजी आपके हाथ में। तो व्यवसाय का तरीका बदला। अब इस व्यवसाय के तरीके में बहुत सारे अवसर क्रिएट हुए। अब अवसर को अगर आप समझने की ओर बढ़े तो हम मुख्य बात पर आए तो आज देखेंगे आत्मनिर्भर भारत को कहा जा सकता है कि एक एकेडमिक प्लेटफॉर्म देने के लिए स्टार्टअप योजना रखी। इस स्टार्टअप योजना का उद्देश्य देखिए क्या है। अब स्टार्टअप जब वो शब्द आता है तो ऐसा लगता है किसी को सुन करके कि स्टार्टअप तो विज्ञान से ही सिर्फ संभव, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप स्टार्टअप को देखना शुरू करें तो हर एक क्षेत्र में स्टार्टअप संभव है और स्टार्टअप कंपनियां आपके सराउंडिंग में लगातार बन रही है। अब कैसे बन रही है देखिए उसका उदाहरण कोविड काल के बाद। आज मैं एक उदाहरण इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमारे सामने भी है, वहीं से हम ज्यादा चीजें समझ सकते हैं। आज आप देखेंगे तो मार्केट में जब जाएंगे 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद अगर शहर में जाए और या तो आप काली मंदिर गोलघर के पास रुके या तो आप बैंक रोड पर जाए तो वहां आप देखेंगे फिजिक्स वाला बहुत सारे बच्चे निकाल वो एक स्टार्टअप का ही रूप है। कैसे हुआ अगर आप उसकी हिस्ट्री देखेंगे तो कोरोना आने के पहले से शुरुआत धीरे धीरे हुई। कोविड काल स्वर्णिम काल किसी के लिए रहा तो अलग पांडे के लिए रहा। कैसे रहा उस पर आते हैं अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि 3x4 के व्हाइट बोर्ड से शुरुआत किया हुआ व्यक्ति है। आप आगे दिग्वेश वीडियो को देखिए 3x4 के व्हाइट बोर्ड से शुरुआत की और आज को शुरुआत अगर आप देखें तो 6000 करोड़ पर है। जो पिछला डेटा था वो 6000 करोड़ का था। तो 6000 करोड़ की रेवेन्यू के साथ एक बहुत ही अल्प आयु का व्यक्ति आपके सामने दिख रहा है। ये बता रहा है कि अगर हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं